गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही हो। वेलकम टू माय न्यू चैनल सतरंगी दुनिया। इस सतरंगी दुनिया में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अभी बज चुके हैं 11 और अभी कुछ मतलब बिस्तर ठीक कर रही थी तो सडनली कुछ याद आया तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। याद आया इसलिए बोल रही हूं। क्या हुआ? याद आया इसलिए बोल रही हूं, बिस्तर ठीक कर रही थी तो देखिए आपके साथ शेयर करती हूं फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको आप ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो लेकिन हम लोग बंगाली में इसको बोलते हैं खेश। तो ये मेरी इसलिए बोल रही हूँ कि याद आया, ये मेरी माँ के हाथ की बनी हुई, ये देखिए, हाथ की बनी हुई। मतलब मुझे ये तो पता नहीं कि कैसे उन्होंने बनाई थी लेकिन वो तो आप दुनिया में नहीं रहे लेकिन उसकी जो याद हमेशा हम लोगों के साथ है। ये देखिए गाइस, ये माँ ने अपने हाथों से बनाया था लेकिन कैसे बनाया था या फिर अपने माँ के पास जो मशीन था मशीन से बनाया था ये तो मुझे मालूम नहीं, शायद मशीन से ही बनाया होगा। उन्होंने तीन बनाया था उन्होंने, ये देखिए, एक ये वाला, ये देखिए, और दूसरा ये वाला, और तीसरा मेरे दीदी के पास है। तो मुझे ये तीनों ही बहुत पसंद है लेकिन मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैं जब लास्ट अपने घर गई थी तो माँ को, माँ की जो याद है, दीदी ने मुझे कहा था कि तुम क्या लोगे, ले जा सकते हो। मैंने कुछ नहीं लिया लेकिन सिर्फ ये दोनों खेश, जो ब्लैंकेट भी आप बोल सकते हैं, इसे मैंने चाहा है। दीदी को मैंने कहा कि आप दो रख लो, मैं एक ही रख लेती हूँ, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, तुम्हारी दो बेटियाँ हैं, तुम एक काम करो, तुम दोनों रख लो, बाद में दोनों बेटियों की दे देना, और मेरे पास एक रहे तो ठीक ही है। तो इसलिए मैं दो लेकर चली आई और दीदी के पास एक है। तो वही मैं बिस्तर ठीक कर रही थी तो सडनली ये देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। माँ की याद तो हमेशा, वो तो भुलाया नहीं जा सकता लेकिन फिर भी देखिए, देखिए कितने सुंदर बनाते हैं ना। इसको मैंने बिस्तर पे रख दिए हैं, जब दोनों बेटी बड़ी होंगी तब मैं उन दोनों को दे दूंगी। और ये देखिए, ये एक, ये देखिए, ये वाला एक, और ये देखिए, ये वाला एक, देखा, तो वही मैं सोच रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूं। तो बाद में मिलती हूँ। ये देखिए गाइस,
ये देखिए, माँ तो नहीं रही पर उसकी याद हमेशा हम लोगों के साथ है। लेकिन देखिए, इंसान चले जाते हैं दुनिया से, पर उनकी कुछ अच्छे काम हो या फिर बुरे काम हो, वो देखिए हमेशा रहता है। देखिए, तो चलिए फटाफट काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ भी, किन किन के घरों में ये ब्लैंकेट, इस तरह के ब्लैंकेट या फिर इसको खेश भी बोलते हैं, तो आप लोगों को, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना, और किन लोगों के घर पे ये है मुझे बताना। वेलकम बैक गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं देखिए दोनों बच्चों को उठा चुकी हूँ। अब दोनों को मैं थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़ दी है, लेकिन देखिए ये मोबाइल के पीछे बैठी है। ये देखिए ये दोनों देखिए, हर वक्त देखिए मोबाइल। क्या खेल रही हो तुम? वीडियो गेम? बैम 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 मैम बैम 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 मैम बैम डैन 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 मैम बैम नहीं, इतने जोर से क्यों बोली तुमने? हाँ लोग क्या सोचेंगे, देखो ये बच्ची कितनी जोर से बात करती है अपनी माँ से। हाँ देखिए, अभी गाइस बहुत ठंड भी लग रही है, सोच रही हूँ थोड़ा सा चाय पी लो। देखिए गाइस, अभी थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ और देखिए गाइस इस वॉल पे भी देखिए इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्राइंग कर दिए। ये देखिए, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा ठंड अभी तक नहीं पड़ी। न्यूज़ पे दिखा रहे थे कि अगले कुछ दिनों में बहुत ठंड पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज सिर्फ इतना ही, आज ब्लॉग थोड़ा सा छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ लाइक शेयर और यस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और आप लोग बंगाली में हम जो खेश बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो तब तक के लिए प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर।